वेलकम टू एड्यूज, आई एम ऐश्वर्या और आज मैं आप लोगों को ग्रामर की कुछ नाउंस के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। प्रीवियस क्लास में मैंने ये बताया था आप लोगों को कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, उनके क्या क्या नाम हैं और उसमें से नाउन और उसके टाइप्स के बारे में मैंने कुछ बातें बताई थी आप लोगों को। अब जितनी भी बेसिक नॉलेज थी वो तो मैंने आप लोगों को दे दिया। आज की क्लास में मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि हमारे नाउन जो होते हैं उसके 10 बेसिक रूल्स होते हैं। ये 10 रूल्स जो है ये जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं जैसे कि बैंक, SSC, रेलवे और व्हाटएवर, जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल और यूज़फुल होते हैं, जिसमें से हम लोग वन बाय वन रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। आज मैं टॉप 10 रूल्स के बारे में डिस्कस करूँगी और फ्रेंड्स, अगर इसमें से कुछ रूल छूट भी जाए तो आप लोग वरीड मत होइएगा, क्योंकि इसे मैं अपने नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करके कंप्लीट कर दूँगी। तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर रूल्स। आज मैं आपको सबसे पहले नाउन के क्या है टॉप 10 रूल्स के बारे में बताऊंगी। और रूल्स का सबसे पहला रूल जो है वो क्या है वो देखिए, विथ कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव मैंने पहले ही बताया था नाउन के जो टाइप्स होते हैं आप लोगों को, प्रीवियस क्लास में मैंने बता रखा है कि नाउन के कितने टाइप्स होते हैं, उसमें का एक टाइप है कलेक्टिव। कलेक्टिव का मतलब ही क्या होता है, बात से ही कैसे पता चल रहा है, समूह, जिसे हम लोग बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन से अगर किसी चीज़ को रिलेट किया जाए तो किस तरीके का चीज होगा वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो कलेक्टिव नाउन के बारे में क्या बोला जा रहा है, वी जनरली यूज सिंगुलर वर्ब एंड सब्स्टिट्यूट इट विथ सिंगुलर प्रोनाउन। हम लोग जनरली, ठीक है, जनरली क्या बोला जा रहा है कि यूज हमेशा क्या करेंगे हम लोग, सिंगुलर वर्ब, और उसके साथ जब भी किसी चीज को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो सिंगुलर प्रोनाउन के साथ ही सब्स्टिट्यूट होगा, ठीक है। सेकेंडली क्या बोला जा रहा है, बट वेन मेंबर ऑफ ग्रुप एक्टिंग एज इंडिविजुअल वी यूज प्लूरल वर्ब एंड सब्स्टिट्यूट इट विथ प्लूरल प्रोनाउन। बोला क्या जा रहा है, लेकिन जब मेंबर ऑफ, जितने भी मेंबर हैं वो एक ग्रुप की तरह एक्टिंग करेंगे लेकिन उसे लिया जाएगा इंडिविजुअल, तो क्या करेंगे हम लोग उस जगह पे प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे और उसे सब्स्टिट्यूट किसके साथ करेंगे, प्लूरल प्रोनाउन के साथ। इन दोनों से रिलेटेड मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स पुट अप की हूँ। अब मैं एग्जांपल्स आपको बताती हूँ, जैसे द कमिटी हैज सबमिटेड इट्स रिपोर्ट। कमिटी, हम लोगों को ये पता है कि कमिटी जो होता है वो क्या होता है, कलेक्टिव नाउन होता है। कमिटी होता है क्या है, कलेक्टिव नाउन। बट यहाँ क्या देखिए, ये जो हैज़ है ये हैज़ क्या है, हमारा सिंगुलर वर्ब, और हैज़ के साथ जो हम लोगों ने प्रोनाउन को यूज़ किया है वो प्रोनाउन भी क्या है, सिंगुलर प्रोनाउन। क्योंकि फ्रेंड्स, जब हम लोग कम्युनिटी की बात करते हैं और कमिटी जब एक साथ वर्कआउट करता है तो क्या होता है, उसकी जो रिपोर्ट जब भी हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो उसे एक पूरा ग्रुप वर्कआउट करके एक रिपोर्ट को प्रेजेंट करता है। हम कभी भी ये नहीं बोल सकते हैं कि उस ग्रुप के पर्टिकुलर 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 लोगों ने उसने रिपोर्ट को प्रेजेंट किया है, बिल्कुल भी नहीं। जब भी बात करेंगे तो कमिटी, तो वो पूरे ग्रुप के मेम्बर्स ने एक रिपोर्ट को सबमिट किया। सेकेंडली क्या बोला जा रहा है, द कमिटी वर अलाउड टू गो होम विथ देयर फैमिलीज। यहाँ भी कमिटी कलेक्टिव नाउन है बट यहाँ जो हम लोगों ने वर्ब यूज़ किया है वो प्लूरल वर्ब है और उसके साथ जो प्रोनाउन यूज़ किया है वो भी प्लूरल प्रोनाउन है। क्यों ऐसा किया है, क्योंकि कमिटी जो है उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग मिलके एक कमिटी को बनाते हैं। बट क्योंकि यहाँ पे क्या बोला जाता है, अलाउड टू गो होम, उन्हें ये अलाउ किया कि वो अपने अपने फैमिली के साथ घर जाए, ठीक है, तो कमिटी के जितने लोग होंगे उन सभी को अलाउ किया गया। तो यहाँ पे कमिटी जो है वो एज अ प्लूरल वर्ब काम कर रहा है और इसीलिए यहाँ पे प्लूरल प्रोनाउन यूज किया जा रहा है। बट यहाँ पे कमिटी जो है ये कमिटी सिंगुलर वर्ब के तौर पे काम कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे सिंगुलर प्रोनाउन यूज किया जाता है। तो रूल वन हमारा यही कहता है कि अगर सिंगुलर वर्ब हो तो सिंगुलर प्रोनाउन यूज करेंगे, लेकिन अगर ग्रुप जो होता है वो एक्ट करता है इंडिविजुअल की तरह तो वहां पे हम लोग प्लूरल वर्ब यूज करेंगे और उसके जगह पे प्लूरल प्रोनाउन का यूज करेंगे।
अब रूल वन की हम लोगों ने बात कर ली थी, अब हम लोग मूव ऑन करेंगे रूल टू पे. ये है हमारा रूल टू. रूल टू हमारा क्या कहता है? जनरली वी डू नॉट यूज एनी आर्टिकल अ एंड द बिफोर मटेरियल नाउन. रूल टू में जो हमारे रूल टू में जो हम लोग देख रहे हैं वो मटेरियल नाउन से रिलेटेड चीज़ को देख रहे हैं. मटेरियल नाउन में क्या बोला जा रहा है कि जनरली, जनरली क्या है, हम लोग मटेरियल नाउन से पहले कभी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं. आर्टिकल हम लोग जानते हैं आर्टिकल क्या होता है, ए एन और द. जब भी हम लोग मटेरियल नाउन का वहाँ पे यूज़ होगा उससे पहले हम लोग ए एंड द आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे. जैसे कि एग्जांपल में यहाँ आप लोग देख रहे हैं, दिस इज़ अ गोल्ड नॉट अ सिल्वर. यहाँ पे मटेरियल गोल्ड जो है एज अ मटेरियल नाउन वर्क कर रहा है और सिल्वर भी एज अ मटेरियल नाउन वर्क कर रहा है, और दोनों से पहले क्या लगा हुआ है, आर्टिकल. ये देखने और बोलने दोनों में तो बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन एक्चुअली ये सही नहीं, ये गलत है. क्योंकि हम लोग ये देखे हैं कि रूल टू हमारा कहता है कि मटेरियल नाउन से पहले हम लोग कभी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे. और सेकंड सेंटेंस जो हमारा है वो है, दिस इज़ गोल्ड नॉट अ सिल्वर. अकॉर्डिंग टू रूल टू ये हमारा सही कहलाएगा और ये गलत. तो जब भी ऐसा एरर आए और मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल का यूज़ हो तो वहाँ पे हम लोग इस चीज़ को मार्कअप करके ध्यान देंगे. अब हम लोग प्रोसीड करते हैं रूल थ्री में. रूल थ्री जो है ये कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड है. बोला क्या गया है, कलेक्टिव नाउन इवन दो दे रेफर टू लिविंग बींग्स आर यूज एज न्यूट्रल जेंडर. कलेक्टिव नाउन जो है इवन अगर वो लिविंग बींग्स की तरह प्रेफर कर रहा है तो हम लोग उसे यूज कैसे करेंगे, न्यूट्रल जेंडर की तरह. जेंडर आप लोगों को पता है 4 types के होते हैं, मस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर. जहाँ पे कलेक्टिव नाउन की बात आएगी और वो वर्कआउट कैसा करेगा, लिविंग बींग्स की तरह करेगा, वहाँ पे हम लोग जेंडर क्या यूज़ करेंगे, न्यूट्रल जेंडर यूज़ करेंगे. जैसे कि एग्जांपल में देखिए हम लोग क्या लिख रहे हैं, द आर्मी इज़ डूइंग हिज वर्क. देख के तो ये लग रहा है क्योंकि ये आर्मी है तो यहाँ पे हिज का जो यूज़ हो रहा है वो बिल्कुल सही है. लेकिन रूल क्या कहता है, आर्मी जो है वो कलेक्टिव नाउन है, एक्ट कर रहा है लिविंग की तरह, तो जब भी हम लोग यूज़ करेंगे उसे न्यूट्रल जेंडर की तरह. तो जेंडर के अकॉर्डिंग ये नहीं है, इसीलिए ये गलत हो जाएगा. और सेकेंडली क्या है, द आर्मी इज़ डूइंग इट्स वर्क. इट्स वर्क अकॉर्डिंग टू द रूल इस चीज़ को ये फॉलो कर रहा है, तो हमारा सेकेंड एग्जाम्पल सही हो जाएगा और फर्स्ट एग्जाम्पल गलत हो जाएगा. इन छोटी छोटी चीज़ों पे हम लोग अपने कॉम्पिटिटिव में ध्यान देंगे. ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने वाली हैं. ओके, थैंक यू. आज का हमारा आज जो भी मैंने पढ़ाया वो इतना ही था. रूल थ्री तक मैंने बताया और जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोग वरीड मत होइएगा, बाकी के जितने भी रूल है वो मैं आपको अपने नेक्स्ट क्लास में दूंगी. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और अगर आप इन सारी चीज़ों को समझे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ ला सकूँ और आपके लिए वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो. थैंक यू सो मच.